ये पर चौसा आम नहीं है जिसको चूस के खाएंगे हम लोग। ओए गन्ने डाइस काट रखे इन्होंने। खाकरा प्लेन खाकरा प्लेन खाकरा ओ भाई मेथी खाकरा ये देखो यह सब भाई सब कुछ मिले खाकरा ये खाकरा से भरा हुआ इधर देखो अपने स्नैक्स भुने वगैरह ये क्या है मारियो गोल्ड भाई सबका फेवरेट बिस्किट सबका फेवरेट बिस्किट तो यहाँ हो गई होगा अगर ये नहीं होगा ना पार दे दे ओ भाई ले ओ ले ओ भाई लो इंडिया की नेशनल टॉपिंग पल्स भाई ओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है इंडिया का मनपसंद आटा आशीर्वाद आटा यहाँ पे है कि नहीं देखते मैं भी नहीं हूँ क्या पता हो कुछ नहीं पता। सुशांत आज हम कहाँ हैं? आज हम लोग आए हैं पटेल ब्रदर्स में आप बोर्ड देख सकते हैं ऊपर ये एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है जैक्सन हाइट्स क्वींस न्यूयॉर्क में तो फिर चलते हैं अंदर। यस हम लोग सुबह सुबह आए हैं इसे खुले हुए ओह सुन लिया होगा आपने हाँ जी नमस्ते साइड में आपको पता ही चल जाएगा कितनी इंडियन प्लेस है पटेल ब्रदर्स है एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो यहाँ पे मतलब पटेल से तो आप समझ ही गए क्योंकि गुजराती होगा कोई पटेल। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है बहुत से स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सब्जियों के सेक्शन में और दिखाता हूँ आपको किसके प्राइसिंग क्या है क्या क्या कैसे रहता है ना तो दिखा देते सब्जियों के प्राइसेस क्या क्या है। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे वो है पपाया अपने भाषा में क्या बोलते हैं पपीता एकदम सही है प्राइस इसका मतलब यहाँ के साथ सही और उसकी माँ का बेर प्राइस देखते ऊपर 12 ये ज़्यादा आएंगे ना नहीं क्या लेंगे फ्रेश आमला देखे मैं आपको आमला दिखाता है इसकी क्वालिटी भी इतनी मतलब ठीक है इतनी टॉप नॉच नहीं है बट प्राइस देखो इसका ये हमारे उधर फ्री में मिल जाता है पेड़ों में लगे रहते हैं खाता भी नहीं हुई ये देखो इसको क्या बोलते हैं बताओ हम क्या बोलते हैं इसको हम लोग तो इसको आलू बुखारा बोलते हैं आप ऐसे अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ चिली क्या है अच्छा चिली से आया है सॉरी मुझे लगा कि चिली क्यों है सॉरी ग्रीन पियर भी देख सकते हैं आप और एक ये भी क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में ये पीच होता है ओके हिंदी में क्या बोलते हैं हम ए रुक रुक अंग्रेज नहीं बनना अबे यार आड़ू 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 हमारे वहाँ भी बड़े बड़े आते हैं पर छोटे वाले जो हरे हरे से तो मीठे भी होते हैं वो अच्छे लगते हैं वो वाले आड़ू इसको फिर कोई कोई इमोजी में गलत चीज भी यूज करता है आड़ू संतरे तो मैं दिखा रहे संतरे तो मेरे गाँव में मिलते हैं इससे बेस्ट ऑर्गेनिक ये सलाह है ये सब इम्पोर्टेड हैं और मोस्टली साउथ अमेरिका से आए हैं आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मेक्सिको या प्रोडक्ट ऑफ आपको पेरू चलता हूँ प्राइसेस भी इसमें दिख ही रहा होगा आपको ना प्राइसेस भी दिख रहे हैं देख रहे हैं जो जो चीज़ें हैं वो देख रहे हो देखो आपको दिख ही रहा होगा अब देखते जाओ यहाँ पे फ्रूट्स एक से एक फ्रूट्स तो सारे होते हैं अपने पटेल ब्रदर्स में और आपको दिखाता हूँ मेरे ख्याल में अपने इंडियन मसालेज वगैरह भी होंगे यहाँ पे पहले आपको फ्रूट्स दिखाता हूँ नारियल किसी को पूजा वूजा करनी है उसके लिए नारियल और इसका प्राइस ठीक है पूजा कोकोनट देखो मिला था ओए ये है पाइनएप्पल वाला नहीं प्याज यहाँ के प्याज भी अलग अलग तरीके के देखो वाइट अनियन ये मैक्सिक सॉरी ये स्पेनिश अनियन होते हैं अपने एरिया जो देसी हम खाते हैं अपने इंडिया में मिलते हैं ये भी थोड़ा सा उस जो वो वाला अनियन है ना उससे थोड़ी अलग वेराइटी है ये वाली येलो अनियंस और उसको बोलते हैं लूज अनियंस पता क्या क्या ना सॉरी लूज अनियन नहीं भी आ रहे चकुंदर ही है ना हाँ टमाटर में भी यहाँ पे मतलब ठीक है टमाटर में ज़्यादा वेराइटी नहीं पर प्याज में ज़्यादा है लहसुन गार्लिक देखते जाइए आपको दिखाता रहूँगा प्राइस देख लेना क्या है वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं आप लोग ये चलो शुक्र है चाइना से नहीं वरना चाइना वाले प्लास्टिक में बेच देते ओह सॉरी नो ऑफेंस फॉर चाइना आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम चाइना ये आम है कि भयंकर क्या है अभी आम आने लगे पता नहीं कोलंबिया से आए प्रोडक्ट ऑफ कोलंबिया में गर्मी है सही तरीका क्या है चूस के ये पर चौसा आम नहीं है जिसको चूस के खाएंगे हम लोग ये सही है ये क्या है लौकी दूधी लौकी की प्रजाति है क्या दूधी
मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, पर लौकी तो इधर अपनी देसी दूधी, ओ दूधी देसी है, वो मेरे ख्याल में अंग्रेजी है जो मोटी मोटी है अपना, ये इसको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया। ये देखिए देखिए बाल पेपर, ये मैं देख मैं कह रहा ना मैक्सिको से आती है ये मेरे गाँव में लगती है भाई ये चीज़ें, इसको हम पता नहीं क्या बोलते, झरेला बोलते तो नहीं, क्या बोलते नेपाली लैंग्वेज में, और ये देख तो ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है शायद, पता नहीं हो भी सकता है, टिंडे नहीं है, एक काइंड ऑफ बेल पेपर का वो स्पीशीज है एक, इधर आप ओ अपने इंडियन स्टोर में हल्दी मिले या ना मिले, व्हाट इज दिस स्मॉल मोंग गन, ओ गन्ने डाइस काट रखे इन्होंने, क्या प्राइस इसका शुगर का $6 का, देखिए अबे यार गांव में चलो हमारे, मैं को लेके आता हूँ पूरा, देखो ये हल्दी मैं दिखाता हुआ चलता हूँ, कि जो बढ़िया बढ़िया जो ऐसा होगा ना कि सब्जी अपनी यहाँ पर सब्जियाँ तो सारी मिलती है, जो इंडिया में मिलती है देखो, खीरे हो गए, करेला, भिंडी, भिंडी हर किसी की बात नहीं बनानी, हमारी मम्मियाँ बना सकती हैं, और ये गोभी का फूल, और ये खीरे है, खीरा है ये भी फ्रेश, मिंट फूल, मिंट भी यार, ये पटेल कुछ कुछ चीज़ें पटेल ब्रदर्स में सस्ती हैं, कुछ कुछ चीज़ें महंगी हैं, बाकी कोई कुछ कोई कोई चीज़ें तो दूसरे स्टोर में सस्ती होती हैं, मशरूम ये क्या है अरबी, नहीं ये अरबी है क्या, हाँ अरबी प्याज की पनीरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना प्याज की पनीरी, सब्जी तो वही टमाटर है थोड़े अलग है, स्टेम मूली मूला, ये गोभी पत्ता गोभी, और ये क्या है एग प्लांट, अच्छा कच्चे वो हैं क्या नाम है बैंगन, बैंगन कच्चे, ओहो हो पम्पकिन अपना, ये आलू भी दिख गए रेड, जिंजर पेपर्स, ये उसके लिए भी होते अपने पकौड़ों के लिए, मिर्चियाँ मिर्चियाँ मिर्चियाँ, मुझे लगता है यहाँ पे सब्जियों की स्पीशीज तो हमने ख़त्म कवर कर लिया है, अब मेरे को लगता है कि मसाले के उसमें जाना चाहिए, मेरे को मसाले जो इंडियन स्टूडेंट या इंडियन जो भी अपना कोई आता है ज़रूर यहाँ आके ढूंढता है, वो चीज़ें हैं मसाले, तो मसाले के सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले, तो मसालों का सेक्शन है उस साइड, तो हम जा रहे हैं उधर की तरफ, देखते हैं क्या क्या मसाले अपने इंडियन मसाले हैं कि नहीं, वो देखते पहले, मेरे को लगता है यहीं से दिख, ये रहे मसाले, मसाले ऐसे यहीं से शुरू हो गए शायद, क्या क्या है इसमें, मसाले यहीं से शुरू हो गए हैं ये, हाँ ये इधर ग्रेन्स हो गए अपने, इधर मसाले पटेल ब्रदर का ही ब्रांड बना रखे उन्होंने, पटेल ब्रदर का ब्रांड है, और ये है थोड़ा मस्टर्ड हो गया, गर्म मसाला हो गया, सब कुछ है, तुलसी के बीज, खड़े मसाले वगैरह, देखते जाओ, रेड चिली, ऑर्डर सौंफ वगैरह हो गया, चाय टी मसाला, वाह एवरेस्ट का मसाला है इधर, वाह ये तो जानते होगे आप लोग, हल्दी 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 ऊपर भी रखा हुआ है इन्होंने सब कुछ, MDH का देखो भाई, पानीपुरी मसाला, तो पानीपुरी मसाला भी ले जा सकते हैं अपन जब कभी बनाने का मन किया, हो भाई ये चेक करो आप कितना बड़ा है इसका मीट मसाला पर क्वांटिटी सही है, ये ले जा सकते हैं MDH के मसाले, और उसके एवरेस्ट के दिखे मुझे उसका भी है, ये मैंने पहली बार देखा यार, कौन सा मरेंडा पता नहीं, इधर प्राइसिंग नहीं लिखी बट मेरे ख्याल में हाँ ये इसकी प्राइसिंग सही है, बीच मतलब कोई सा भी ले लो उसके पैसे है, ये मसालों का आयस था बस इतना शायद, मसालों का आयस इतना ही था ना, और इधर बाकी सारे फ्रोज़न फूड्स अपना, चपाती है पता नहीं फ्रोज़न
फ्रोजन तो हम खाते नहीं शायद, अपन लोग खाते हैं सीधा। इसका प्राइस है $6 ये पकौड़े हैं, पनीर के पकौड़े। नहीं ये एक्सपेंसिव है थोड़ा, मिठाइयाँ भी रहती। लड्डू लड्डू 350, पकौड़ो जलेबी। इधर पराठे वराठे भी फ्रोजन पड़े हैं। पूरन पोली है ये, पूरन पोली है तो पराठा नहीं है भाई। प्राइस चेक करो इसका। कुलचा कुलचे कुलचे सब है यहाँ पे, वड़ा पाव सब कुछ है। फ्रोजन फ्रोजन आइटम यहाँ पे मतलब कि यूएसए में मतलब सही है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं फ्रोजन फूड क्योंकि पहले से ही प्री कुकड होता है, उसको बस उसमें डाल के गर्म करना बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबको वर्क पे किसी को स्टडी पे जाना होता तो इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए लोग बाद कुछ लोग फ्रोजन फूड ही प्रेफर करते हैं, जैसे कि पूरे नान बना रखे हैं पंजाबी। अरे पराठे सारे पराठे, पराठा आलू पराठा मेथी पराठा, तो इसलिए लाइफ थोड़ी इनकी लाइफ यहाँ पे फास्ट है लोगों की, ये प्रेफर मेरे ख्याल में कुछ लोग फ्रोजन फूड ही प्रेफर करते हैं। मकई की रोटी भी है देख लो यार, तो अब मेरे ख्याल में आपको मैं ले जा सकता हूँ ग्रेन्स की तरफ, जहाँ पे चावल आटे वगैरह ऐसा होगा उधर की तरफ लेके चलता हूँ। क्या क्या है? हेलो ओह सॉरी, उधर काम चल रहा, हम गलत जगह आ गए। ओए मिठाइयाँ भी अपनी मिठाइयाँ अपनी मिठाइयाँ दिख गई मैं घर, मुझे लगा फ्रोजन ही होगी। देखो ये ड्राई मिक्स कोकोनट बर्फी, मेरी कोकोनट बर्फी उसमें अकेली है। ये देखे नहीं कोकोनट बर्फी नहीं है, राजस्थान की मशहूर होती है, मेरे ख्याल में गुजरात में भी होती होंगी, इसलिए आप रखा है। बेसन बर्फी कौन खावा है यार, मीठे का इतना मैं शौकीन नहीं हूँ, बट कोई मेरा यार भाई दोस्त कोई आ रहा होगा यूएसए जिनको मीठे का शौकीन होगा वो जरूर यहाँ पे मतलब जो मीठे का शौकीन होगा अपने इंडिया का तो ज़रूर यहाँ पे पटेल्स बाज़ार में विज़िट कर लेना। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर शायद इम्पोर्टेड हैं फिर या फिर किसी इंडियन द्वारा बनाई गई है शायद, फिर भी इतना इडली बैटर, अच्छा इडली बैटर है ये, जो साउथ इंडियन होगा उसके लिए भी सही है। मतलब अपना इंडियन होगा, नॉर्थ से हो गया साउथ से हो गया कहीं से भी हो गया वेस्ट ईस्ट से, तो इधर सब कुछ मिल जाएगा। वेजिटेरियन भी है यहाँ पर, वेजिटेरियन में तो बहुत सारे ऑप्शन है, नॉन वेज के शायद यहाँ पे कम ऑप्शन है, मेरे को यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का कुछ दिखा नहीं शायद। ओए पानी तो आ ही रहा है भाई, क्या करें मिठाइयों के यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और यार दूध के भी ऑप्शन, अब फ्रोजन की ही फ्रोजन सब्जियाँ भी है यहाँ पे देखो, कोकोनट वगैरह सॉरी क्या, हाँ कोकोनट ये रहा, और ये मटर अपनी हरी मटर है, और इधर आ गया अपना डेयरी प्रोडक्ट, बच्चों की चीज़ें ये तो, और ये अंडे वंडे आ गए, हाँ जो एग्स खाते हैं उनके लिए चाहिए। मैंने फिलहाल के लिए मैंने एग्स चिकन विकन खाना छोड़ दिया है, तो मैं अभी वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मेरा दोस्त भी वेजिटेरियन है और मेरे बहुत दोस्त जो गुजराती दोस्त हैं वो सारे वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैं आजकल मैं नॉन वेज मैंने खाना कम कर दिया, मतलब छोड़ ही दिया एक तरीके से, मैं वेजिटेरियन की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ पर बहुत है, कोई कोई इंडिया से कोई सोच रहा होगा ना कि इंडिया से कोई आ रहा होगा अपना भाई यूएसए में सोच रहा होगा ना कि ये वेजिटेरियन ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पे, बहुत ऑप्शन है भाई वेजिटेरियन, डरने की कोई जरूरत नहीं कि सोचोगे यहाँ पे आके इंडिया में सोच रहे हो कि मेरे को नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये शर्त है कि आपको कुकिंग आनी चाहिए, वेजिटेरियन सब कुछ यहाँ पे है कि नहीं भाई। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया निशाद मिल्क, मिल्क का प्राइस मिल्क भाई मिल्क का प्राइस ऐसा है ना कि हर स्टोर का सबका अलग अलग प्राइस है, कोई देखो ये रहा सिंपल गैलन का ये रहा प्राइस और इसका छोटा हाफ गैलन का प्राइस ये है, तो हर स्टोर का अलग अलग मेरे ख्याल में है प्राइस, या फिर लगभग लगभग हर स्टोर में सेम ही है। ये सारी रोटियां हैं मतलब कि जो पैकेट रोटी है सारी यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने, तो दिखा देता हूँ मल्टी ग्रेन की 10 पीसीस का अपना प्राइस है। ये हो गया देखते रहो कप किक्स वगैरह हो गए, अब उधर की तरफ चलते हैं, हाँ जा ग्रेन की तरफ, इधर ग्रेन की तरफ ही मैं जा रहा था, पर मेरे को इधर दिखा अपने स्नैक्स, अपने गुजराती भाइयों के लिए स्नैक्स, देख यहाँ देख खकरा
प्लेन खाकरा, प्लेन खाकरा, ओ भाई मेथी खाकरा, ये देखो यह सब भाई सब कुछ मिले खाकरा, ये खाकरा से भरा हुआ इधर देखो अपने स्नैक्स भुने वगैरह, ये क्या है भुने वो ये को मक्की, मक्की भुनी रोस्टेड मक्कियाँ, ये स्नैक्स अपने देखो मेरे को, मैं देखते यहाँ पर अपने नवरत्न वगैरह हल्दी हल्दीराम वगैरह है कि नहीं, होगा शायद, इंडियन स्टोर है ज़रूर होना चाहिए मेरे को तो लगता है 100% होगा। ये देख चकली भाँस की हो, नंदा की चकली उठा ले क्या एक आनंद की, ये भेल सेव मतलब भेलपूरी, ओ ले भेलपूरी वगैरह भी, भेल मिक्स वगैरह ले भाई ले, और क्या चाहिए जिंदगी में भाई, आ जाओ यूएस आ जाओ आ जाओ बस। ये अपना हल्दीराम भी आ गए लोग, भुजिया आलू भुजिया का उठा ले गए एक पैक, ये उठा लेते हैं मतलब खाएंगे खाते खाते जाएंगे क्लास में भी किसी को ट्राई करा देंगे, वो नहीं खाते कोई अंग्रेज लोग तो मतलब अंग्रेज क्या अपने एशियन ही है ऊपर खा लेते स्पाइसी, पर यहाँ के जो अंग्रेज हो गए वो तो खाएंगे, जो अपने एशियन से मतलब चाइनीज हो गए कोरियन हो गए वो लोग खा लेते स्पाइसी, बट यहाँ के लोग तो भाई नखरे हैं भाई, उनके वो नहीं खा पाएंगे, उनके बस की नहीं अपने इंडियन स्नैक खाने की, चकली ये वाला स्पाइसी होगा सर, क्रंची स्पाइसी एंड टेस्टी, हाँ सही है यार, स्नैक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर अपने इंडियन स्नैक्स उल्ला भाई ना, वो नहीं सबसे सबका फेवरेट बिस्किट पार्ले जी, मारियो गोल्ड भाई सबका फेवरेट बिस्किट, सबका फेवरेट बिस्किट तो यहाँ होगा होगा पार्ले, अगर ये नहीं होगा ना पार्ले जी देख लो ना, पाँच के ओ पाँच के पाँच डो ओ सॉरी पाँच डॉलर कह रहा हूँ, पाँच फॉर एक डॉलर है ना, सही है ओ ये बिस्किट भी है वो कोकोनट वो वाला चीनी वाला, ओ ब्रिटानिया का, ये मस्त होता है यार, ये अपना बाजार में ही मिलता है, अपना बाजार की भी वीडियो बनाएंगे अपन, अपना बाजार है मतलब पंजाबियों की तरफ से मतलब अपना नॉर्थ जो अपना नॉर्थ एरिया है उसमें सामान जो नॉर्थ में मिलता है अपना वो सामान सब कुछ अपना बाजार में मिलेगा, सिमिलर है टू क्या बोलते हैं अपने पटेल ब्रदर्स की सिमिलर है, बट हाँ अपना बाजार भी एक फ्रेंचाइजी है और पटेल ब्रदर्स भी एक फ्रेंचाइजी है जो गुजरात के जो भाई होंगे जो कोई होंगे उन्होंने खोला है शायद पूरे यूएस में, और मेरे ख्याल में कनाडा में भी पटेल ब्रदर्स के स्टोर्स हैं और इंडिया में तो होंगे होंगे, ओ भाई ले ओ ले ओ भाई लो, इंडिया की नेशनल टॉपिक पल्स पल्स भाई, ओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ठीक है चीज है वो, अच्छा इमली के बीच, इमली के बीच मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, अब इधर है शायद सॉसेस वगैरह सॉस अपनी चटनी मतलब अपने पास मतलब मिंट चटनी गार्लिक पेस्ट ये हो गया, ओ जलजीरा पानी, जलजीरा का पानी, ये पीनट बटर हो गया न्यूट्रला हो गया, ये तो सब आम सी चीज़ें, पर अपने चटनीस वगैरह ये जो स्पाइसी वगैरह होती हैं ये बहुत मिस की जाती है, और इधर देखो यार रवा डोसा, ये चीज़ें तो यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे होंगी, मैंने एक्सपेक्ट तो ये भी नहीं किया था, बट ये भी है आलू भुजिया, मेरी मम्मी को पता है कि यहाँ पे मेरी फेवरेट मैगी है, यहाँ पे कहाँ पे है मैगी, मेरे उधर लास्ट सकती है, ये सॉल्ट वगैरह चटनीज वगैरह उनका ये आपको पता ही है, तो कहीं कोई सी भी स्टोर में मिल जाएगा, बट इधर आ जाए पहले, इधर आ जा पहले, ये दिखा देते हैं आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स तो मैं देख सही बताऊँ तो अपने इंडिया के बेस्ट होते हैं, यहाँ के मैंने ट्राई किए इतने वो टेस्ट नहीं है जितना टेस्ट यहाँ के मैंने ड्राई फ्रूट्स ट्राई करे, पता इतना वो टेस्ट नहीं जो अपने इंडिया में टेस्ट है, सच में नहीं है रियलिटी, बाकी मुझे ये पता नहीं पटेल ब्रदर का मैं ले जाऊँगा ये इंडिया से आके कहा, देखिए देख तेरे को देखने में लग रहा होगा ना सारा उसी का सेक्शन है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये दालचीनी मसालों में क्यों नहीं रखी इस मसाले, हाँ इधर भी है थोड़े बहुत मूँगफली मूँगफली है, मेरे ख्याल में ये अपना ये खुद पटेल ब्रदर्स का ब्रांड होगा इन्होंने अपने लगा रखे, हाँ देखो वो इधर दालें वाले हैं, इधर दाल वगैरह दाल तो देखो सारी होंगी यहाँ पे अपने पर खाते इधर दालें वाले सब कुछ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि जो इंडिया में मिलता है यहाँ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे इतना एवरीथिंग मिल रहा है, मूँग वो ले भाई राजमा हो गए अपने पता नहीं उड़द दाल का लो भाई लो, ये आ गई दाल मखनी वाली भी आ गई, छोले मूंग की दाल हो गई चने की दाल सब कुछ है, चावल पैकेट हो गए, चावल के पैकेट मुझे यहाँ से अच्छे लग रहे हैं,
बासमती चावल वगैरह सब कुछ है, लो ब्राउन राइस आ गए, क्विक रोट्स, पापड़, ओ ले ये पापड़ तो तेरे को, ये किसी को पता ही होगा, ले भाई ले, ये तो अपने इंडिया में तुम्हें पता है होली में, होली के टाइम पे बनते हैं, छत पे सुखा देते हैं अपन लोग, वही है ये, अरे पापड़, ये वाले पापड़ में, पापड़ के जो शौकीन है वो खा सकते हैं, हम नहीं भाई, बोले आटा भी है, पर आशीर्वाद कहाँ है, इंडिया का मनपसंद आटा, सुजाता, इंडिया का मनपसंद आटा आशीर्वाद आटा यहाँ पे है कि नहीं देखते, मैं भी नहीं हूँ, क्या पता हो, कुछ नहीं पता, they have maybe, let's see find it, अपना चमन प्रास, ओए ये मैगी मिली है, आटा मैगी, पर ट्रेडिशनल मैगी कहाँ है, दिखते हैं, ले भाई, इंडिया का मनपसंद आटा, आशीर्वाद आटा, दाने दाने में है, किसका मैगी के बारे में, मैगी का टेस्ट वैसा नहीं है जैसा इंडिया में पता, सच में आई हैव ट्राइड, लाइक क्योंकि यहाँ की मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, मतलब अपनी मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, बट पर यहाँ की मैगी पका लो जितना, पर ऐसा लगता है कि कच्ची और मसाला, उसमें जो मैगी मसाला है ना वो अलग ही मसाला, मतलब समझ नहीं आता क्या है भाई, जो इंडिया से मैगी लेके ज़रूर आ रहा, क्योंकि कुछ कुछ स्टोर में मिलती है जो ऐसा लगता है कि हाँ इंडियन मैगी लग रही है, बट कहीं कहीं आप पटेल बाज़ार चले जाओ, अपना बाज़ार चले जाओगे ना, वहाँ पर भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी मैगी नहीं, ले भाई भाई ले भाई, नेपाल वालों वाई वाई भी है यहाँ पे, वाई वाई का पैक ही है, हाँ नेपाली नूडल्स है, कोरियन दोस्तों को पसंद है तुम्हारी कोरियन गर्लफ्रेंड को पसंद है, इसकी कोरियन गर्लफ्रेंड इतनी है ना क्या बताऊँ, लाइनें लगी हुई है, तो ये चीज़ें अपनी जो मेन चीज़ें, बाकी पर मैगी भाई इंडिया से मैगी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मैगी का टेस्ट वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करोगे, आप अगर मैगी यहाँ पे मिलेगी, हर सब कुछ मिलेगी इंडियन फूड में, मसाले भी हैं यहाँ पे, बट वो बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मसाले मैंने ट्राई नहीं किए यहाँ के, टू बी ऑनेस्ट बस मैंने मैगी यहाँ की ट्राई करी है, मसाले जब मैं ट्राई करूँगा तब उसका रिव्यू दे सकता हूँ कि भाई क्या है क्या सीन नहीं, पर देसी तो बाकी और भी पटेल स्टोर्स होते हैं, ये छोटा है, और यहाँ पे आप लोग आपको इंडियन लोग भी बहुत दिख जाएंगे, पर आपको बिलिंग करके दिखाता हूँ, इधर करा रहे सर, हमने बिल करा लिया, उसके बाद हमें ऑयल दिख रहे हैं बाहर, नो रिटर्न नो रिफंड्स ऑन गोलगप्पे, गोलगप्पे बाहर भी मिलते हैं, देखते बाहर कैसा स्वाद है, उन दाले वाले बाहर भी लगा रखे हैं, तो अब है टाइम पटेल ब्रदर्स को बाय बाय बोलने का, तो अब हम निकलते हैं, पटेल ब्रदर बाय, हम मिलेंगे बाद में आपको।